हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं श्री और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फिश फ्राई का रेसिपी शेयर करूंगी, मसालेदार फिश फ्राई। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनता है। आप लोग इसी टाइप का एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और आप देख कर ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितना यम्मी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं कुछ फिश। यहाँ पे हमने रोहू फिश को यूज़ किए हैं, अच्छे से क्लीन करके धोकर इसको एक बर्तन में रख दिए हैं। स्वाद अनुसार ऐड कीजिए सॉल्ट, हाफ टी स्पून आप ऐड कीजिए हल्दी का पाउडर और रेड चिली पाउडर। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून आपका गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के बदले में आप चिली पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून ऑनियन का पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट यूज कर ले और उसके बाद हाफ लेमन का जूस ऐड कर ले और उसके बाद 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। ये सारी चीज को हमको अच्छे से मिक्स करना होगा। आप चाहें तो हाथ से ही इसको अच्छे से मैरिनेट कर सकते हो। और हाथ से करने से आपका ये फिश अच्छे से मैरिनेट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे हाथ में ही इसको मैरिनेट किया है। तो ऐसे करके आपको सारी फिश को अच्छे से मैरिनेट करके रख देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। और देखिए ये कितना अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अभी हम इसको ढंक कर रख देंगे हाफ एन आवर के लिए। और हाफ एन आवर के बाद हम इसका फ्राई बनाएंगे। और यहाँ पे हाफ एन आवर हो चुका है। हमने लिए हैं एक तावा, तावा में हम फिश को फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हम ऐड किए हैं 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और अच्छे से इसको फैला देंगे तावा के ऊपर, जैसे कि आपका फिश अच्छे से फ्राई हो पाए। हमने यहाँ पे कढ़ाई यूज़ नहीं किए हैं। तावा में फ्राई करने से आपका ये फिश अच्छे से फ्राई होता है, इसलिए हमने तावा में इसको फ्राई करेंगे। और देखिए ये भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे, एक एक फिश को डाल देंगे तावा में। गैस का फ्लेम एकदम आपको सीम पे ही रखना है और फिश को अच्छे से एक एक करके डालना है और ऊपर में थोड़ा थोड़ा करके मसाले को भी डाल देना है फिश के ऊपर। तो आपका ये मसालेदार फिश फ्राई अच्छे से बन जाएगा। और देखिए ऐसे करके आपको थोड़ा थोड़ा मसाले भी ऊपर में डाल देना है। और अभी हमको ये फिश को एकदम सीम पे ही फ्राई करना है 5 से 7 मिनट के लिए। और मिडिल पे आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 से 6 मिनट हो चुका है और नीचे से ऑलरेडी हमारा फिश थोड़ा सा फ्राई हो गया है। और मसाले को देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है, नहीं तो आप थोड़ा फोल्ड करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक साइड अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा सावधानी से दूसरे साइड पे फोल्ड करती हूँ। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से इसको फोल्ड कर सकते हो, नहीं तो स्पून की मदद से भी धीरे धीरे करके इसको फोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सारे फिश को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अभी और 5-7 मिनट के लिए दूसरे साइड पे इसको फ्राई करेंगे। और ये देखिए हमारा फिश फ्राई एकदम रेडी हो चुका है। देखिए कितना डिलीशियस और कितना अच्छे से बना है और चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। और ये बनाने के लिए आपको बहुत ही कम समय लगेगा। तो चलिए इसको हम गरम गरम सर्व करते हैं। और इसको देख कर ही तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपी देखने के लिए। और राइट साइड में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए रहती हूँ, फिर मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।